हेलो दोस्तों तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि डिस्काउंट और रिजल्ट का प्रतिशत को कैसे निकाला जाता है यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है जींस का जो मूल्य है वह है पंद्रह सौ रुपये और देखिए उस पर जो छूट है वह पच्चीस है प्रतिशत की तो देखिए आपको यहाँ पर बताना है कि वह जींस का जो मूल्य होगा छूट के बाद कितना होगा देखिए इसको निकालने के लिए दो तरीका है देखिए आपको सबसे पहले पंद्रह सौ का पच्चीस प्रतिशत को निकालना होगा यानी आपको सबसे पहले पता करना है कि छूट जो है रुपए में कितना होगा यहाँ पर देखिए प्रतिशत के रूप में दिया हुआ है तो देखिए रुपए में निकालने के लिए सबसे पहले लिखेंगे पंद्रह सौ को इसके बाद देखिए यहाँ पर पच्चीस प्रतिशत है तो गुना में लिखेंगे पच्चीस को प्रतिशत का चिन्ह जब हटेगा तो इसके बटा में लिखा जाएगा सौ को यह दो जीरो से यह दो जीरो कट जाएगा अब देखिए पर ऊपर में जो भी संख्या है इसका हम लोग आपस में गुना को करेंगे यानी देखिए पंद्रह से गुना पाँच में करें तो यह हो जाएगा पचहत्तर हासिल हो जाएगा सात पंद्रह से गुना दो में करें तो यह हो जाएगा तीस सात हासिल था तो यह हो जाएगा सैंतीस यानी देखिए छूट जो रुपए में है वह है तीन सौ पचहत्तर रुपये अब देखिए आपको करना क्या है जो भी जीन्स का दाम था इसमें से यह जो छूट निकल कर के आया है इसको हम लोग हटाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं पंद्रह सौ को और इसके नीचे लिखेंगे तीन सौ पचहत्तर को देखिए जीरो में से पाँच नहीं घटेगा इससे हासिल इसमें जाएगा इसके बाद इससे यहाँ पर हासिल आएगा दस में से पाँच घटने पर यहाँ बचेगा पाँच यह संख्या होगा अब नौ नौ में से सात घटने पर यह बच जाएगा दो यह संख्या चार है चार में से तीन घटने पर यह बचेगा एक और यहाँ पर भी देखिए एक है यानी देखिए छूट के बाद जो जीन्स का मूल्य होगा वह होगा ग्यारह सौ पच्चीस रुपये देखिए एक तरीका यह है और आप इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं जैसे देखिए यहाँ पर है जीन्स का जो दाम है वह है पंद्रह सौ रुपये और यहाँ पर देखिए छूट है पच्चीस प्रतिशत की देखिए कोई भी जो दाम होता है वह अपने आप में सौ प्रतिशत होता है यहाँ पर देखिए जो छूट है उसको आपको सौ प्रतिशत में से माइनस कर देना है यानी देखिए सौ में से पच्चीस घटाने पर यह बचेगा पचहत्तर प्रतिशत अब देखिए आपको करना क्या है अगर आप पंद्रह सौ का पचहत्तर प्रतिशत को निकाल देते हैं तो आपका जो आंसर है वह सेम आ जाएगा जैसे देखिए यहाँ पर पंद्रह सौ था तो इसको सबसे पहले लिखेंगे पचहत्तर प्रतिशत को निकालने के लिए गुना में लिखेंगे पचहत्तर को प्रतिशत का चिन्ह जब हटेगा तो इसके बट्टा में लिखा जाएगा सौ को यह दो जीरो से यह दो जीरो कट जाएगा पंद्रह से गुना पाँच में करें यह होगा पचहत्तर का पाँच सात हो जाएगा हासिल पंद्रह का पहाड़ा सात बार पढ़ें तो यह होगा एक सौ पाँच सात हासिल है तो यह हो जाएगा एक सौ बारह यानी देखिए इस तरीका से भी आंसर जो है वह सेम आ रहा है तो आप किसी भी तरह से डिस्काउंट को निकाल सकते हैं तो चलिए अब हम लोग सीख लेते हैं कि रिज़ल्ट का प्रतिशत को कैसे निकाला जाता है तो देख सकते हैं पर दूसरा प्रश्न है कुल अंक जो है वह है पाँच सौ देखिए जो कुल अंक होता है उसको पूर्णांक कहा जाता है और यहाँ पर देखिए प्राप्त अंक जो दिया हुआ है वह है तीन सौ पच्चीस अंक यानी देखिए पाँच सौ अंक का एग्जाम हुआ था उसमें से देखिए तीन सौ पच्चीस अंक को प्राप्त किया गया है तो आपको बताना है कि कितना प्रतिशत अंक को प्राप्त किया गया है देखिए इसको निकालने के लिए जो कुल अंक होता है इसको आपको हमेशा बट्टा के नीचे लिखना है और देखिए जितना अंक प्राप्त होगा इसको आपको हमेशा बट्टा के ऊपर लिखना है और देखिए यह जो है अब एक भिन्न का रूप का हो गया तो देखिए भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए आपको यहाँ पर सौ से गुना को करना होता है देखिए सौ से पाँच सौ को काटे यह कट जाएगा पाँच बार में अब देखिए आपको पाँच से तीन सौ पच्चीस में भाग को लगाना है देखिए पाँच से बत्तीस में यह लग जाएगा छः बार में लेकिन देखिए यहाँ पर तीस होगा जो कि पहले से बत्तीस था तो यहाँ से बचेगा दो यहाँ पर देखिए दो है और यहाँ पर पाँच यह हो जाएगा पच्चीस पाँच।, पाँच का पहाड़ा पाँच बार पढ़े तो यह जो पच्चीस है यह पूरा पूरा कट जाएगा यानी देखिए जो प्रतिशत में होगा वह हो जाएगा पैंसठ प्रतिशत अगर देखिए आप पाँच सौ में से तीन सौ पच्चीस अंक को प्राप्त कर लेते हैं तो प्रतिशत में आपका जो होगा वह हो जाएगा पैंसठ प्रतिशत तो आप लोग अच्छे तरह से समझ गए होंगे कि डिस्काउंट और रिजल्ट का प्रतिशत को कैसे निकाला जाता है तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा